सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो लाडलो। टाइम हो गया है 5:14 और मैंने मैंने गूगल पे देखा था कि 7 बजे के आसपास आज सनसेट होगा, बट सूरज तो मुझे दिख ही नहीं रहा। बट कोई बात नहीं, हमें जो काम है वो है अपना बाइक से। बहुत टाइम से हो गया, रिव्यू मांग रहे थे भाई लोग के, रिव्यू दो रिव्यू दो रिव्यू दो। तो आज मैं इसको लेके आ गया हूँ अपने हाईवे पे। देखो, ये 4 साल से ऊपर हो गए इस बाइक को, और मेरे ख्याल से 4.5 साल हो गए हैं, और ये ऑलमोस्ट ये बाइक चल चुकी है 43,145 किलोमीटर चल चुकी है, और इसमें आज तक एक भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ। एक ब्रेकडाउन हुआ था जब मैं गया था अपने धारचूला, जब सस्पेंशन टूट गया था, बट बाइक भी डीट थी, मैं भी डीट था। मैं कैसे न कैसे जुगाड़ करके वापस उसको चला के ले गया, ना कि ये टो के आई है, ना टोइंग मशीन में चढ़ी है। ये आज तक अपने पैरों पे ही चली है, अपने टायरों पे चली है। कभी इसने कभी किसी से लिफ्ट नहीं मांगी, इसी ने लोगों को लिफ्ट दी है पैर लगा लगा के। बट मैं जितना भी इस बाइक को चलाया आज तक, मेरे को प्राउड ही फील हुआ कि मैं अपनी बाइक चला रहा हूँ, बैनली चला रहा हूँ। आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 300 सीसी का सेगमेंट है, ये मैंने 600 लगा रखा है। 300 सीसी की बाइक है, ड्यूल सिलेंडर है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ। और हालांकि मैंने जब इसको नया लिया था तो मैंने इसकी टॉप स्पीड चेक की थी, ये तो ये गई थी 177। और जस्ट मैं थोड़े दिन पहले पैडी की बाइक लेके आया था रोहतक से, तो वो बाइक को मैंने टच कराया था 175, और यकीन मानो वो और भी चढ़ सकती थी, बट आगे दो टांगों वाले ही आगे थे भाई। तो अपनी सेफ्टी के रीज़न के हिसाब से मैंने स्लो कर ली थी, तो ज़्यादा बेटर रहता है आप सेफ्टी रखो, क्योंकि आज संडे है। तो मैंने बहुत सोचा कि रोड खाली होगा, बट है नहीं कुछ ऐसा सिस्टम, मुझे लग नहीं रहा, बट ट्राई करेंगे। एक आगे जाके रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट है। आई होप कि हम इसको टॉप स्पीड तक चेक करवा सकें। मेरे ख्याल से अब की बार जो मेरी बाइक पहले चढ़ी थी 177, उतना नहीं चढ़ पाएगी, बिकॉज़ इसका जो टायर है आगे वाला फैट टायर है, जो मिचले जो पिरेली का टायर आता है वो थोड़ा सा बीड़ा होता है। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा वाइड है, क्योंकि जब मैंने ये लगाया था टायर, तो मडगाड़ के टच करता था, तो मैंने इसके नीचे एक वॉर्सर लगाई है, मतलब दो दो वॉर्सर लगा रखी है अंदर की तरफ से, ताकि ये टायर की किनारियाँ पे ना लगे। और आई थिंक मैं दिखा नहीं पाऊँगा, अंदर दिखेगा नहीं, बिल्कुल टच जैसा ही है। जब कीचड़ वीचड़ लग जाता है तो मडगाड़ को पता लगता है कि हाँ भाई टायर मेरे स्किट होके जा रहा है, मतलब घिसड़ के जा रहा है। तो ये अपनी कुछ बाइक है, 4 साल में आज तक ज़िंदगी में एक बार वो भी खड़े खड़े गिरी है। आज तक इसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, ब्रेकडाउन नहीं हुआ, परफेक्ट बाइक है। और बहुत सारे पूछते हैं लोग, भैया BMW लें या फिर बैनली लें। तो देखो, अगर आपको सस्ते में लेनी है, सस्ती बाइक लेनी है, तो KTM पे जाओ, हल्के में सस्ती बाइक है, पिकअप पावर सब बढ़िया है, और मेरे ख्याल से बाइक भी अच्छी खासी है, ठीक है। बट अगर आपको साउंड चाहिए, स्पीड नहीं चाहिए, मतलब ये कहते हैं ना, एकदम से अपने इंडिया के हिसाब से लोग सोचते हैं कि मैं उड़ा लूं बाइक को। वो हमारे इंडिया में यही सोच होती है कि मैं यार मतलब हूँ करके भगा लूं, बट इंडिया में ऐसी रोड नहीं है। अगर आपको बढ़िया से बाइक चलानी है, बहुत अच्छी बाइक चलानी है, लॉन्ग टाइम तक चलानी है, तो केयर कर सकते हो तो बैनली बेस्ट है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बैनली ले लो, आप एक बार ट्राई कर लो। इस बाइक का जो साउंड है वो किसी बाइक में नहीं है 300 सीसी सेगमेंट में, और ऐसी कोई बाइक नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके 300 सीसी सेगमेंट में। पावर इसमें इतनी नहीं है कि सोचे कि मैं किसी भी बाइक को 300 सीसी सेगमेंट बाइक को मैं पछाड़ दूंगा, बट हाँ ये लॉन्ग क्रूज़र बाइक है, काफ़ी टाइम तक हाई स्पीड मेंटेन में भी इसको आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इवन मैं जब भी कोई राइड पे जाता हूँ लॉन्ग राइड पे, तो 100 किलोमीटर की राइड होती है, मतलब जो स्टार्टिंग में जाते टाइम जो स्पीड होती है हमारी फर्स्ट डे की, वो होती है 100 या फिर 120। और एक्चुअली मैं बता दूं, जब राइड से रिटर्न में आता हूं तो एक्चुअली मेरी स्पीड होती है 150। हालांकि बहुत ख़तरनाक स्पीड है, बट क्या करें, कभी जब भी आते हैं ना तो थोड़ा सा लेट नाइट हो जाते हैं, तो थ्रोटल ऑटोमेटिक फास्ट हो जाता है। थैंक गॉड मेरे पास ये जो एक्स्ट्रा लाइट है उसकी वजह से मेरे को दिख जाता है
अदरवाइज तो भाई इन स्टॉक लाइट्स के हिसाब से मैं इसको 70 स्पीड पे भी नहीं चला सकता, क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं देखता। थैंक भाई, ये सोनू ने लगाया था, रुड़की वाले ने, ऐसी लाइट मैंने कभी नहीं देखी। मतलब इतनी तेज है, इतनी तेज है, बस आंखें मिचा देती है ट्रक वाले की अगर उसने डिपर में ना की हो तो। वैसे तो मैं ज़्यादातर अगर मैं 70-80 की स्पीड चल रहा हूँ तो ये बंद कर देता हूँ, बट जब मैं चलता हूँ 120 और 150 के ऊपर ये, तो फिर मैं ऑन कर लेता हूँ। मेरी बाइक 150 टच कर जाती है विद पैनियर, और आज देखते हैं बाइक कितनी स्पीड टच कर पाती है। पहले तो हम करेंगे फर्स्ट गियर चैलेंज कि फर्स्ट गियर में कितनी स्पीड पे भाग सकती है। आज ये रिव्यू अलग ही होने वाला है, क्योंकि ये वाले रिव्यू हमने नहीं देखे, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी रिव्यू को चाहते हैं कि भाई देखो बाइक कितनी स्पीड हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। एक्चुअली उनको मतलब नहीं होता है इसमें क्या होता है क्या नहीं है सिस्टम में, बस स्पीड से मतलब होता है। तो चलो आप वही रिव्यू करेंगे आज। फर्स्ट गियर से सिक्स्थ गियर तक हम इसको टॉप स्पीड तक ले जाएंगे, देखेंगे कितनी सेकंड में कितनी स्पीड पे चढ़ी है बाइक। तो भाई इसकी मैक्स पावर जो है 38+ है, और जो मैक्स टॉर्क है वो है 26+। जो मेन प्रॉब्लम आती है ना इसमें, पिकअप कम है। पिकअप भाई ठीक है, बट पिकअप इसलिए कम है क्योंकि इसका जो वेट है अपनी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। ये बाइक 200 kg ऑन करती है, और इस बाइक में अगर हम स्पीड आज कम अचीव कर पाए तो मेन रीज़न रहेगा इसकी सर्विस, क्योंकि इसकी सर्विस जो होनी थी उससे डबल ऑलमोस्ट ये बाइक चल चुकी है। वो भी रीज़न है मैं क्यों चलाई है, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपको कि ये बाइक जल्दी से ब्रेक डाउन नहीं होती। अगर आप इसको सर्विस करते हैं कंपनी में 6,000 किलोमीटर पे, तो आप इसको रियल टाइम बता रहा हूँ, इस बाइक को आप 12,000 किलोमीटर चला सकते हो, क्योंकि इसमें लगता है सिंथेटिक ऑयल और ये अपना ऑयल का कलर चेंज नहीं करती, और बस ऑयल चेक करना पड़ता है आपको ज़्यादा कम ना हो। क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी बाइक चलाई है, लॉन्ग में चलाई है, मैंने रेगुलर इस मतलब मैंने इसको कंटिन्यूसली विद स्टॉपेज 1,000 किलोमीटर लगातार चलाया था अहमदाबाद से हिसार, और इसमें आज तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। इसमें स्पीड आज हम कम अचीव कर पाएंगे बिकॉज़ इसकी जो सर्विस है वो डबल हो चुकी है, इसका चैन सेट है जो घिस चुका है, ये इसका चैन सेट जो है ऑलरेडी 24,000 किलोमीटर चल चुका है। मेरे ख्याल से किसी किसी बाइक का इतना चल पाता होगा, और विद इसने देखा है किलर किश्तवार, कश्मीर से कन्याकुमारी, किलर किश्तवार जो रोड है वो वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस रोड है, उस पर इंसान क्या बाइक भी रो देती हैं। और एक्चुअली में इंसान कम रोता है क्योंकि उसको ऊपर बैठ के गधे की तरह इसका थ्रोटल मोड़ना होता है, बेचारी दर्द तो इसको होता है क्योंकि जो भाई साहब जो गड्ढे हैं वो इसी के लगते हैं। और भाई साहब सच बता रहा हूँ, इंसान के अंदर भी वाइब्रेशन पैदा हो जाती है, ऐसा वो रोड है। अगर मैं सोचे कि वो बहुत खतरनाक रोड है, भाई मेरे को कोई सी दूसरी बाइक दे दो, मैं अपनी बाइक नहीं तोड़ना चाहता, मैं उसको हंसी खुशी करके आ सकता हूँ, मतलब इतना हम पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन बाइक पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, मुझे पता है, बुशेज वगैरह, चैन, इंजन, पिस्टन, कितना जोर पड़ता है यार बाइक को उस रोड पर चलने में, मेरे को पता है। खैर कभी कोई जाएगा वहाँ पर पता लगता है। टाइगर वाले भी यू टर्न मार के आ गए थे क्योंकि उन्होंने अपनी जो इंजन प्लेट है वो तोड़ ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड्ढे और पत्थर हैं वहाँ पे जो कि आपकी बाइक को तोड़ने के लिए वेट कर रहे हैं। खैर चलो अभी आप देखते हैं इसका फर्स्ट गियर चैलेंज कि ये फर्स्ट गियर में कितना स्पीड टच करती है, और सेकेंड के हिसाब से सेकेंड, चलो आप जब फर्स्ट थर्ड सेकेंड ऐसे करेंगे तो फर्स्ट गियर देखते हैं आप कितनी देर कितने किलोमीटर पे स्पीड पे जाती है। ये जाती है 58 की स्पीड पे फर्स्ट गियर में। अब यहाँ से आगे जाके ना एक लेफ्ट साइड में रोड आएगा, तो वहाँ से आप भगाएंगे इस बाइक को, देखते हैं कितना स्पीड जाती है। और इसका बाइक का सस्पेंशन है भाई अल्टीमेट है, ऐसा बाइक का सस्पेंशन बहुत कम बाइकों में होता है, मतलब यार बहुत ही, मैं इस बाइक पे कोई कमी नहीं निकाल सकता। हाँ बट मैं निकालूंगा तो इसके हेडलाइट में निकालूंगा, जो आगे की लुक सारी इसने ख़राब कर रखी है। पीछे से ये बाइक बहुत सुंदर लगती है, साइड में भी लुक अच्छी है, बट ये जो फ्रंट का है ना भाई साहब, अभी जो नई बेनेली आई है उसका भी मुझे खास नहीं लगा,
बट इनको थोड़ा सा ब्रॉड करना था इस बाइक को, या फिर इसका हेडलाइट को इस तरीके से करना था कि इस बाइक की जो लुक है वो और अच्छी हो। बट सच बता रहा हूँ, मेरे को इसकी लाइट और इसकी हेडलाइट की लुक बहुत ही बकवास लगती है, बाकी सब बढ़िया। बाकी मैं इस बाइक में कोई कमी नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ तो इसकी सर्विस रिलेटेड निकाल सकता हूँ, क्योंकि जो बीच में गड़बड़ हो गई थी, डीसी वाला सिस्टम हो गया था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो लेट्स ट्राई कितना चढ़ती है और क्या चढ़ती है। पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कोई स्ट्रेट रोड है नहीं, रोड के बीच में से कोई भी आ जाता है और भाई साहब डर डर बहुत बड़ी चीज होती है। और ऊपर से ये ब्रिज, भाई साहब इस ब्रिज पे ऐसे जंप है, मतलब अगर मैं थोड़ी सी भी स्लो ना करूँ तो आई थिंक मैं टेक ऑफ कर सकता हूँ। तो भाई फेल हो गया भाई आज, नहीं कर पाया मैं टच इसको, स्पीड को टच। मेरे ख्याल से ये मैक्सिमम चढ़ सकती है अभी भी 168 तक जा सकती है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, बिकॉज इसकी चैन सेट ख़त्म हो चुका है, इसकी सर्विस आ चुकी है, थ्रोटल बॉडी क्लीन मांग रही है। मतलब यार इतनी स्पीड तो डाउन हो जाती है किसी भी अच्छी बाइक की, चैन सेट ख़त्म है, सर्विस डबल हो चुकी है, छोटा डबल क्लीन मांग रही है, उसके बाद भी 15 की स्पीड टूटी है तो बहुत कम टूटी है। और मेन चीज़ देखी जाए तो टॉप स्पीड ये चेक नहीं हुई है, ना ही टॉप स्पीड पे ये पहुंची है। यार प्राउड करता हूँ अपनी बाइक पर जो इतना टाइम से मेरा साथ दे रही है, और ऊपर से यार इतने कभी ब्रेक डाउन नहीं किया यार। और अभी जो अभी मैं इसको बहुत कम निकाल रहा हूँ, वो रीज़न इसी का यही है कि मैं इसकी चैन और सर्विस नहीं करवा पा रहा, क्योंकि मैं जा नहीं पा रहा, कहीं मम्मी बीमार है, मम्मी के अभी पथरी का ऑपरेशन करवाना है, तो बस जल्दी से सही हो जाए फिर देखते हैं क्या रहता है। आई होप कि आपको रिव्यू का वीडियो पसंद आया होगा, यार पसंद आया तो लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, लव यू लाड लो, बाय।